दृष्ट्वा सारदि दृक्षया प्रव्रजन्त्या कृतोद्वाहाः परं वैराग्यमाश्रिताः। तमेतं वेदानुवचनेन ब्रह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन। एतमेव विदित्वा मुनिर्भवति एतमेव प्रव्राजिनो लोकमिच्छन्तः प्रव्रजन्ति। एतदस्म वै तत्पूर्वे विद्वांस प्रजान्न कामयन्ते किं प्रजया करिष्यामो येषां नोऽयमात्मा यं लोक इति। तेहस्म पुत्रेषणायाश्च वित्तेषणायाश्च लोकैषणायाश्च व्युत्थाय अथ भिक्षाचर्यं चरन्ति। परीक्ष्य लोकान् कर्मचितान् ब्रह्मणो निर्वेदमायान् नास्य कृतः कृतेन। तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित् पाणिश्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्। सर्ववेदान्त सिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहं। योगशास्त्र तथा व्याकरण भाष्य को प्रकट करने वाले आप भगवान पतंजलि को मैं प्रणाम करता हूँ। आपसे वेदांत का उपदेश प्राप्त करने के लिए ही मैं अत्यंत भक्ति भाव से आपके चरणों में आया हूँ। कस्तुम अहम अस्मि विप्रगुल जातः शिवगुरु तनयः शंकरो नाम दाक्षिणात्यः संसार सागरम उत्तितेषु इह भवन्तं शरणम आगतः। इहैव मृतस्य शरीरं मृद्भावम आपद्यते कथं संसार सागरात् उद्धरणम्। सत्यम् शरीरं जायते च म्रियते च न पुनरात्मा यतो नाहं शरीरं अतो नाहं म्रिये। शंकर भगवान शंकर एव साक्षात् जातस्त्वम् इति अहं समाधि दृष्ट्या वेमि। अर्थात् आत्मा देश एव आत्मैवाधस्तात् आत्मोपरिष्टात् आत्मा पश्चात् आत्मा पुरस्तात् आत्मा दक्षिणतः आत्मोत्तरतः आत्मैवेदं सर्वमिति सवाक्येष एवं पश्यन्नेवं मन्वानः एवं विजानन्नात्मरतिः आत्मक्रियः आत्ममिथुनः आत्मानन्दः सस्वराट् भवति तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति। एहि वत्स एहि परमहंसो भविष्यसि सौम्य भगवत्पादाभिधानो भव। अनुग्रहीतोऽस्मि भगवन् अधिहि भगवो ब्रह्मेति। वत्स भगवत्पाद उपनिषदों के मूल सिद्धांतों का प्रतिपादन करने वाले वेद वाक्य महावाक्य कहे जाते हैं। जीव तथा ब्रह्म की स्वभाव सिद्ध एकता का प्रतिपादन करने वाले ऐसे अनेक वाक्य चारों वेदों में हैं।
उनमें से तत्वमसि, अहम् ब्रह्मास्मि, प्रज्ञानम् ब्रह्म तथा अयमात्मा ब्रह्म, ये चार वेद के प्रतिनिधि रूप चार महावाक्य है। ये चारों वाक्य कहते हैं कि मैं जो बनना चाहता हूँ या जिसे प्राप्त करना चाहता हूँ वही मैं हूँ। मैं अल्प दुखी संसारी जीव नहीं हूँ। मैं पूर्ण आनंद घन नित्य मुक्त ब्रह्म हूँ। देहादि संगातों का दृष्टा मैं सर्वात्मा हूँ। जी गुरुदेव, जिसे मैं कहता हूँ उस प्रत्यगात्मा के ब्रह्म स्वरूप को आत्मसात करने के लिए संन्यास धारण करना आवश्यक होता है। लोकेषणा वित्तेषणा और पुत्रेषणा का त्याग और सभी को अभयदान का नाम संन्यास है। अभयदान और अहिंसा सन्यासी के मुख्य व्रत है। संन्यस्त जीवन शिखर के समान है। सन्यासी की वाणी कर्म और आचरण अनुकरणीय होते हैं। इससे समस्त समाज सन्यासियों का आदर करता है। जी भगवान, परमात्मा के दृष्टि से सन्यासी सर्वभूत हिते रताहा सिद्धांत का पालन करते हुए ओंकार में रमण करते हुए जीवन व्यतीत करते हैं। भगवत पाद, तुम उद्भट विद्वान हो, तुम उद्बुद्ध सन्यासी हो, तुम उद्दांत शिष्य हो, अब तुम उद्रिक्त उद्धरता बनो, ऐसी हमारी तुमसे मंगल कामना है। धन्योस्मि कृतकृत्योस्मि अनुग्रहीतोस्मि भगवान। गुरुदेव, आपके श्रीमुख से अध्ययन करने में मुझे अलौकिक आनंद आता है। गुरुदेव, गोविंदनाथ वन में मैं कुछ समय तक निवास कर सकता हूँ? अवश्यमेव। सौम्य भगवत्पाद, समस्त वेदों और वैदिक शास्त्रों का समन्वय जीव और ब्रह्म की एकता में है। अस्तित्व मात्र के अभेद रूपी अद्वैत का प्रतिपादन करना ही शास्त्रों का तात्पर्य है। सर्वं खल्विदं ब्रह्म, सर्व ब्रह्म है, इसी का ज्ञान मूलभूत वैदिक धर्म है। वत्स, सच वैदिको धर्म शिथिलायते, हमारा यह सनातन वैदिक धर्म शिथिल हो रहा है। इसके उद्धार के लिए मैंने कई प्रयत्न किए हैं, परंतु वह पूर्ण नहीं। इसलिए हे सनातन वैदिक धर्म के उद्धारक, तुम काशी जाओ, वहां पर अनिंदनीय ग्रंथों की रचना कर संसार वासियों के उद्धार के लिए प्रयत्न करो। आद्य देव काशी विश्वनाथ वहां तुम पर अनुग्रह करेंगे। जैसी आज्ञा गुरुदेव। आपके आशीर्वाद से मैं अवश्य शिथिल हो रहे सनातन वैदिक धर्म का उद्धार करूंगा। अहम् सनातनम् वैदिकम् धर्मम् उद्धरिष्यामि। प्रणमामि भगवन्। महान् संतोषः। शिवास्ते पन्थानः सन्तु वत्।